सभी श्रोताओं को सुप्रभात। आज मैं एक और शुभ सूचना आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रेस, पब्लिक और पॉलिटिशियन जो तीनों हैं, उनका शानदार मैच चल रहा है। पत्रकार भी सटीक सूचनाएं देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जनता और दूसरी प्रकार की यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बढ़ती समझ में वो इस प्रतिस्पर्धा में आ गई। कभी कमजोर लिख रहे अपनी बात न फिट जाए। पॉलिटिशियंस भी एक से एक बढ़कर योद्धा बनकर मैदान उतर रहे हैं। भाइयों, आपके लिए सब कुछ करूंगा, सामर्थ्य से कुछ ज्यादा कर डालूंगा, ये सच्चाई है मैदान में। और पब्लिक भी समझ दिखा रही है खुलकर। मतदान का जोश आज है पंजाब में, उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में लोगों में भारी उमंग देखने को मिल रही है। जोरा जोश भी तेज है। अकेला मैदान किसी के लिए नहीं है। वो जमाने बीत चुके, तब आकर अभिवादन करता था जनता का सिर्फ नेता। जैसे लोग उसके शक्ल के देखने के मोहताज हों, वो जमाना आज नहीं रहा। आज काम देखने का मोहताज है। आज वो उसको अपने साथ खाने खिलाने को मोहताज है। वो दूरी का, वो नवाबियत का दौर जा चुका है। और वो लोकतंत्र का पौधा जो हमारे पूर्वजों ने संविधान विशेषज्ञों से लगाया था, वो पेड़ बहुत बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बन चुका है, फलदार बन चुका है, छायादार बन चुका है। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से कहूँगा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को देखे, पब्लिक प्रेस और पॉलिटिशियंस को देखे। बड़ा सुंदर हो चला है। हमें स्विट्जरलैंड का उदाहरण नहीं देना है, स्विट्जरलैंड को हमसे सीखना है। वो पुराने हो चुके हैं, बड़ी उमंग था और नेताओं में मैच जीतने का सब तरह की नीतियाँ बना रहे, जुटे पड़े हैं कि मैच कैसे जीता जाए। कांटे का मैच, बड़ी नेक टू नेक बोलते हैं ये, यानी फाइट करें, कड़ी टक्कर है। और दोनों दोनों के लोग पांचों प्रदेशों में जब चुनाव है, वहाँ यही कहा जा रहा है। गोवा एक 40 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य ने भी राजनीति की झंडी गाड़ दी। उत्तराखंड उससे आगे, बड़ी राजनीति दिलचस्पी वाला मैच हो रहा है। और उसी कड़ी में बता रहा हूँ, मैच अगले साल राजस्थान का भी है। और भी जो कुहाड़वास महिला विश्वविद्यालय जो काम चल रहा है, उसके लिए मैं कहूँगा प्रेस, पॉलिटिशियंस, पब्लिक से कि तीनों मिलकर इसको मिशन बनाए। अभी भाजपा विधायक जो स्टिंग MLA हैं, श्री सुभाष पूनिया जी, उन्होंने बताया कि मैं इसके लिए जी जान से तैयार हूँ, करोड़ों का अनुदान देने के लिए या दिलवाने के लिए। और यदि हमारा दल सत्तारूढ़ होता है तो विधानसभा में इस विधेयक को चंद दिनों में पास करवा दूंगा। बात आगे बढ़ी है, जो लंबे समय से मेरे विश्वविद्यालय जो संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बल मिला है। उनको भाजपा विधायक ने साहस दिया है, उनकी योजना को समर्थन किया है। आज मैं भारतीय प्रेस से कहूँगा, पॉलिटिशियन से और साथ साथ बैंकर से कि भैया, ये जो हम बना रहे महिला विश्वविद्यालय, इसके लिए आप
वहाँ विजिट करनी शुरू करें और कागज कार्य में जुट जाएँ। एक में विशेष जो मेरा कहना है आज ये है, पॉलिटिशियंस आई नॉट मीन पॉलिटिशियंस, सरकारों से, प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री जो योजना से संबंधित उनका कार्य है वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं ये की जानी है। इसके लिए अपने अधिकारियों को मैंने कई बार प्रार्थना और निवेदन किया है कि कुहाड़वास भेजना शुरू करें ताकि विश्वविद्यालय औपचारिकता पूरी हो सके और विश्वविद्यालय का कार्य आगे बढ़े। तो आज मैं यही कहूँगा, मुख्यमंत्री राजस्थान और प्रधानमंत्री मोदी से जो उनका भी जो शिक्षा मंत्रालय और UGC की जो औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए वो निर्देश दें उनको कि वहाँ पहुँच कर वहाँ की समितियाँ पंचायतें उनके पास न पहुँचे धक्के खाने के लिए। उनका यही काम है और उन्होंने खुद ही तो कहा था दोनों ने कि बेटी पढ़ाओ, और जब इतना बड़ा संस्थान बनने की बात चली है, लोग करोड़ों के अनुदानी जब आगे आ रहे हैं जो समाज तैयार उठा उस काम को करने के लिए, तो अब वो मैदान छोड़ कर ना भागे। मैं दोनों से कह रहा हूँ कि इसको लिए पत्र व्यवहार जारी है और हम दोनों जो पदनाम से बताया प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोदी, ये वहाँ का समाज देख रहा है और आपके दर्शन चाह रहा है। कथनी और करने में भेद करना इससे बड़ी नीचता कुछ नहीं होती। आज मैं ये कहूँगा कि अपने कार्यालयों को और समय नहीं है तो कम से कम अपने संबंधित मंत्रियों को और अधिकारियों को निर्देश दें कि वो कुहाड़वास का जल्दी जल्दी दौरा करें और आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के कार्य में जुट जाए। धन्यवाद।